जनपद संभल के चंदोसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत केथल के प्राथमिक विद्यालय की दिव्यांग शिक्षिका ने बदली तस्वीर, राज्य पुरस्कार के लिए अनुमोदन। जनपद संभल के चंदोसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत केथल के प्राथमिक विद्यालय की दिव्यांग शिक्षिका ने बदली तस्वीर, राज्य पुरस्कार के लिए अनुमोदन। आपको बता दें कि पूरा मामला ग्राम पंचायत केथल में स्थित प्राथमिक विद्यालय सेकंड का है, जहां पर तैनात प्रधानाध्यापिका रेणु बंसल ने मिशन प्रेरणा के तहत विद्यालय की तस्वीर ही बदल कर रख दी। उन्होंने विद्यालय की सभी दीवारों पर वॉल पेंटिंग करवाकर और स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत करके विद्यालय की तस्वीरें बदली। इस विषय में शिक्षिका रेणु बंसल ने बताया कि ये सब मैं SRG मैडम के उत्साहवर्धन के कारण ही करा पाई। वहीं इस विषय में SRG शालिनी सक्सेना ने बताया कि विषम परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने स्कूल की तस्वीर बदल दी, जिसके बाद उनका नाम राज्य पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया गया, जिसके लिए प्रस्तुति देने के लिए वे 28 अगस्त को लखनऊ जा रही हैं। श्रीमती रेणु बंसल प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कैथल सेकंड ब्लॉक बनियाखेड़ा द्वारा, जबकि वो विषम परिस्थितियों में है, उसके बावजूद उन्होंने अपने विद्यालय का काया पलट कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सुंदर बेहतरीन TLM बनाए और बच्चे जो कि हमारे ई पाठशाला से नहीं जुड़ पाए थे TV या रेडियो के कारण, तो उन बच्चों के लिए उन्होंने गाँव में 10 जगह प्रिंटर सामग्री के माध्यम से, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनवाई हैं, जिससे कि बच्चे अपने शिक्षण कार्य से जुड़े रहें। और उन्होंने अपने विद्यालय में बाला पेंटिंग बनवाई है, 3D पेंटिंग बनवाई है, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, मीना कक्ष, यानी कि कुल मिला के उन्होंने अपने विद्यालय की बेहतरीन तस्वीर कर दी। और राज्य पुरस्कार के लिए उन्होंने आवेदन किया, जिसको उनको चयनित कर लिया गया है, और 28 अगस्त को वो राज्य पुरस्कार के लिए लखनऊ में प्रस्तुतिकरण हेतु जा रही हैं। हमारे जनपद संभल से 4 शिक्षक का सूची में नाम है और चारों प्रस्तुतिकरण हेतु जा रहे हैं, और मैं SRD शालिनी सक्सेना संभल उन चारों शिक्षकों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जनपद संभल का नाम रोशन करें और अपना प्रस्तुतिकरण बेहतर करें। मेरा विद्यालय सन 2018-19 में इंग्लिश मीडियम के लिए चुना गया। उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम के लिए चुना गया है, तो मुझे इसे उसी तरीके से बनाना है जिससे कि बच्चों को ये बिल्कुल भी ना लगे कि ये इंग्लिश मीडियम नहीं है, हम हिंदी मीडियम में ही जा रहे हैं। तो विद्यालय में SRG महोदया श्रीमती शालिनी सक्सेना उसके बाद विद्यालय में आई, तो उन्होंने मुझे और प्रोत्साहित किया और मुझे बताया कि मैं वाकई में इसको इंग्लिश मीडियम जैसा बना सकती हूँ, इसको बहुत बेहतर कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, उन्हीं के मार्गदर्शन से चलते हुए मैंने विद्यालय को बहुत कुछ बदलाव किया। और चूंकि लॉकडाउन पीरियड में मिशन प्रेरणा के तहत काफ़ी कुछ चीज़ें मॉड्यूल वगैरह आए हैं, मैंने उनको भी अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा लेकर मैंने विद्यालय में प्रिंटेज पेंटिंग, बाला पेंटिंग जो कि जनपद में प्रथम बार कराई गई है विद्यालय में, वो सब कराई है और काफ़ी कुछ बदलाव किया है। जो कुछ पैसा हमें सरकार द्वारा दिया जाता है, बाकी कुछ अंश मैंने अपनी सैलरी का भी विद्यालय में लगाया है। मुझे बहुत हर्ष और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे अभी विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आएंगे, मुझे लगता है कि उनमें एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा या भावना या लगन कह सकते हैं पढ़ने की होगी, क्योंकि उनके लिए काफ़ी कुछ दीवारों पर ऐसा पेंट कराया है कि बच्चा क्लास में भी ना होकर क्लास के बाहर भी बहुत कुछ पढ़ सकता है। और मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे इस चीज़ को देख कर। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे भविष्य हैं देश का, इनके लिए हम जितना ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं उतना करें, क्योंकि इन्हीं से हमारा नाम है, इन्हीं से हमारी पहचान है और हम ही इनके राष्ट्र निर्माता हैं। प्राथमिक विद्यालय कैथल सेकंड जो कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी है, इसमें श्रीमती रेणु रानी द्वारा जो बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया गया है, जो उसके प्रशंसनीय है, जिसकी प्रशंसा जितनी प्रशंसा की जाए कम है। प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, बच्चों को टाई बेल्ट आई कार्ड की व्यवस्था कराई गई है उस विद्यालय में। आगे चलकर और भी बहुत सारी सुविधाएं प्रयास किया जा रहा है कि ये हमारे जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं विकास क्षेत्र में, प्राइवेट विद्यालयों के अनुसार ही जो कदम ताल मिलाकर चलें। प्रयास मेरा यही है कि टाई बेल्ट आई कार्ड की व्यवस्था हो सारे इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो भी चयनित हुए हैं विकास क्षेत्र में, और सारी सुविधाएं हम उनको उपलब्ध कराएं। ऑपरेशन कायाकल्प में भी काफ़ी कार्य कराया जा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को जो अभिभावक भेजना पसंद करते हैं, हो सकता है आगे चलकर हमारे विद्यालय भी और जो अभिभावक बच्चों को भेजा, जिस तरह के प्रयास कैथल सेकंड में श्रीमती रेणु रानी द्वारा किया जा रहा है,
प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे उनके स्कूल में आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही जो प्रशंसनीय कार्य है और विशेष रूप से सराहनीय है। और पूरा श्रेय इसका जो कायाकल्प का मैं प्रधानाध्यापक श्रीमती रेणु रानू को ही दूंगा और उनके शुभकामनाएँ देता हूँ भविष्य के लिए कि जो उनका राज्य पुरस्कार हेतु चयन हो, श्रेष्ठ विद्यालय में भी उत्कृष्ट विद्यालय में चयन हो। इसी के साथ दीवाणी को विराम देता हूँ। जय।